सर हम लोग, मेरा मानिंद्र प्रसाद साकेत नाम है, रीवा जिला के रहने वाला हूँ। मेरा विधानसभा मनगमा है, ग्राम तिवनी है। हम लोग जो ये दलित आदिवासी के साथ पतलूकी हो रही है, इन पर अन्याय हो रहा, हमारी लोगों के शासन प्रशासन के पास कोई सुनवाई नहीं हो रही है, महिलाओं में अत्याचार हो रहा, थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मतलब फैसला लिया है कि हमारे लोगों के दलित आदिवासी के खिलाफ है, तो उस खिलाफ के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने मान सम्मान के लिए हम लड़ेंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि दलित आदिवासी के लिए आपने जब तक चुनाव में गए थे, जनता के बीच में बड़े बड़े लंबे चौड़े वादा किए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, गरीब आदिवासियों को, दलित आदिवासियों को उत्थान करेंगे, लेकिन क्या यही उत्थान है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान में हमें लोगों को हक और अधिकार लिख के गए थे, उसका भी हनन किया जा रहा है। हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारे लोगों के पास रहने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपने सभी मध्य प्रदेश में पदयात्रा करके देखा हूँ कि लोगों के पास जब इस संसार से विदा हो जाते हैं तो उनको जलाने के लिए श्मशान तक नहीं है, इससे दर्दनाक घटना क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने बैंकों में देखे हैं, जिसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराशिंग पेंशन 150-200 रुपए मिलता है, उन्होंने बैंक में नियम खोल के रखे हैं कि 1000 रुपया मंथली रहना चाहिए, यदि 1000 रुपया नहीं रहती तो उनके खाता से पैसा कट जाता है। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब आप वृद्धवा पेंशन, निराशिक पेंशन 150-200 रुपए देते हो, तो उसके पास 1000 रुपए कहाँ से आए कि वो खाता में रेगुलर रखे। ये सारी समस्या है। आज जो दलित आदिवासियों के बच्चों शासकीय स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पुराने ज़माने में जो कटोरा पहले हमें लोगों को धराया जाता था, वो कटोरा आज शासन के तरफ से धरा गया है। खिचड़ी गुलाहती तक हम लोग सीमित रहते हैं। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जो बड़े लोग हैं तो अपनी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, दलित वासियों के बच्चे शासकीय विद्यालय में जाते हैं, लेकिन उनको सही ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती, ना तो उनकी छात्रवृत्ति में कोई ध्यान रखा जाता। मैंने रीवा में देखा हूँ, मेरी बच्चियाँ हॉस्टल में पढ़ रही है, आज पिछले जुलाई से एडमिशन हुआ है, आज पुनः जुलाई आने वाली है। साकेत जी, शिवराज पाटिल जी ये कहते हैं कि जब चुनाव हुआ था, चुनाव में कहा था कि मैं तो मध्य प्रदेश की बहनों का भाई हूँ और मेरी भांजियाँ हैं, मैं इनके लिए बहुत काम करूँगा, शिक्षा के लिए काम करूँगा, वृद्धा पेंशन के लिए काम करूँगा। क्या शिवराज पाटिल जी मध्य प्रदेश के अंदर काम नहीं कर रहे हैं? सर, शिवराज सिंह चौहान जी जितने वादा किए हैं उस वादा से बिल्कुल नाकाब हैं, वादा मुताबिक किसी प्रकार के काम नहीं किए हैं, ये केवल दिखावा है, आश्वासन झूठा आश्वासन देते हैं, कागज में घोषणाएं तो करते हैं लेकिन उसका लागू नहीं करते हैं। खास तौर से दलित आदिवासियों के पास उनका कोई जगह नहीं है, इसलिए हम लोग अब रोड में उतर आए हैं। यदि हमारे लोगों को सुनाई नहीं हुई, हमारी ज़मीन की जो मांग है वो ज़मीन नहीं दी गई, हमारे लोगों को श्मशान की व्यवस्था हर पंचायत में नहीं किया गया, तो अगले सन 2018 में जो 19 में जो चुनाव होगा तो शिवराज सिंह को इसका गलत ख्वाब न भोगना पड़ेगा। धन्यवाद।